ये जब जब आते हैं छा जाते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं ज़ैन इमाम, क्योंकि हम जब भी करते हैं वो कमाल करते हैं, राइट? कमाल करते हैं। हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर हैविंग यू ओवर हियर। थैंक यू। बेकाबू बेकाबू, यस बेकाबू, एंड आई एम बैक विद द बैंग सिंस द फैंस वांटेड मी, और क्योंकि सब चाहते थे कि मैं कुछ वक्त के लिए सही बट आऊँ टीवी पे वापसी, तो मैंने कहा उनको नाराज़ नहीं करते, उनको खफा नहीं करते, और आ जाते हैं टीवी पे वापस। और वापस मैं आया हूँ इस कंडीशन पे कि इट्स गोना बी अ स्पेशल अपीयरेंस फॉर मी इन बेकाबू, एंड जो फैंस हैं वो प्लीज़ ब्लिंक एंड मिस हो जाएगा, तो ज़रूर देखें। बेकाबू स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च 9 PM सैटरडे संडे। अच्छा, हमने देखा है कि आप बहुत सिलेक्टिव हैं चीज़ों को लेकर के, आप चूजी हैं, सो इसमें एक ऐसा क्या पॉइंट लगा कि नहीं ये करना है आपको और लेट्स डू इट? वेल, हाँ, यू राइट, मैं चूजी बहुत हूँ अपने काम को लेके, जो कंटेंट है वो ज़रूरी रहता है मेरे लिए और पैसा साइड में, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट फैंटेसी शो है, इस तरह का फैंटेसी थ्रिलर मैंने आज तक किया नहीं है, तो क्योंकि मेरे लिए कुछ एक्सपीरियंस था, मुझे हमेशा नया कुछ करने का चाह रहती है, और ऑब्वियसली जब एकता जी एंड दी चैनल वांटेड मी टू डू इट, आई कुडन्ट से नो, बिकॉज ऑब्वियसली एकता मैम का शो है और वो हमेशा कुछ ग्रैंड ही बनाती हैं, तो यू नो आई कुडन्ट से नो एंड बी रॉन्ग इन माय ओन डिसीजन कि भाई ये सही नहीं जाएगा, सो इट्स गोना बी गुड आई एम श्योर। एंड ऑब्वियसली जो जिस तरह के VFX हैं और जो स्टोरी लाइन है अभी तक की, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। अब डिफरेंट शेड्स ऑफ ज़ैन देखने मिलेगा? वेल, जितना मैं करूँगा डिफरेंट शेड्स मिलेगा, बट यही है कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, किस लेवल पे मिलेगा वो अलग होगा, बट बेकाबू में हाँ ये है कि फ़िलहाल जितना मैंने करा है वो आपको एक पॉजिटिव साइड भी दिख रहा है और एक जुनूनियत वाला साइड भी दिख रहा है और एक वो बेकाबू होने वाला, एक यू नो अपने आप काबू खोने वाला लुक भी दिखेगा आपको बहुत जल्द। अच्छा, पर्सनली अगर पूछे तो आपको इतना सजना और ये सब ये पहनना पसंद है? यार, मुझे ऑनेस्टली पसंद नहीं, मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक इंसान हूँ, मैं हमेशा अपने, ये मेरी रिंग है बाय द वे, तो बाकी सारे शो के टैटू वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बट हाँ क्योंकि शो पे हैं तो हमें बनवाना पड़ता है, बट या अगर आप मुझे अवार्ड फंक्शन में देखोगे, आप मुझे चप्पल में भी देख सकते हो, कभी कभार जीन्स वगैरह टी शर्ट बेसिक इसमें देख सकते हो, और मैं गया भी हूँ ऑनेस्टली, चप्पल नहीं बट हाँ जीन्स टी शर्ट में गया भी हूँ, पीपल लुक एट मी एंड से यार अवार्ड फंक्शन में आया हो ना, मुझे वो रेडी होने का वो एकदम चाह रहती नहीं, वो चाव नहीं रहता, सम द मोस्ट कैजुअल एक्टर यू विल सी ऑन स्क्रीन में भी। इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन है या फिर ये अपना खुद का है? नहीं यार, ये अपना खुद का है, आई थिंक इंस्पिरेशन, आई थिंक यू मे कॉल इट, मुझे कई बार लोग कहते हैं यार जॉन और आप में काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो मैंने कहा यार हाँ कुछ कह सकते हैं, बिकॉज वो भी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग बिलीव करते हैं और मैं भी उसमें बिलीव करता हूँ, तो मेरा वो है कि अपना काम करो और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आप ऐसे घर पे चले जाए मॉम डैड के सामने, अगर ये टैटू हाँ ये टैटू यार, क्योंकि मॉम डैड रिलीजियस हैं ऑब्वियसली, तो वो तो यही कहेंगे यार इसमें नमाज नहीं होगी, तो उनको तो ये नहीं पसंद है एज एन एक्ट, बट एक्चुअली मुझे खुद इनफैक्ट पसंद नहीं है टैटू वगैरह, तो मैं कभी मुझे कोई ऑफर भी करेगा तो मैं बनवाऊंगा नहीं टैटू। हाँ, टेम्प्रेरी इज़ ओके, सिंस दिस इज़ टेम्प्रेरी सो दिस इज़ फाइन, एक दो तीन दिन का होता है वो, शौकिया तौर पे कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज आई एम हैप्पी विद दैट। इसमें आपको उड़ते हुए या फिर उल्टा चलते हुए या मोड ऑफ एक्शन क्या, कैसे क्या कुछ फैंस आप कौन सा ज़ैन का कौन सा साइड देखना है, ऐसा कुछ देखने मिलेगा सरप्राइज? आई थिंक उसको सरप्राइज देते हैं, क्योंकि मैं राक्षस प्ले कर रहा हूँ, तो एक जो राक्षस होता है वो कितना पावरफुल होता है, कितनी उसमें ताकत होती है वो आप जानते हैं, तो राक्षस जब खुश होता है, जब अपने अपने घर वालों के बचाने के लिए या उनका कोई एक अगर कोई मोटिव है उस चीज़ को यू नो होल्ड ऑन करने के लिए, किस हद तक जा सकता है, इस हद तक जाएगा कि वो बेकाबू हो जाए, अपना आपा खो दे, तो वो आप देखने के लिए आपको बेकाबू देखना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि को एक्टर्स आप काफ़ी सारे हैं, शिवांगी है, ईशा है, शालीन, मोनालिसा, सो ऐसी टीम के साथ काम करना कैसा? एंसेंबल कास्ट है, और अभी तक मैंने ईशा और शालीन के साथ नहीं शूट किया है, बट शिवांगी और मोनालिसा के साथ शूट किया है, तो ऑब्वियसली आई मीन देयर ऑल गुड यार, मेरी इनफैक्ट मोना से बातचीत करी तो कहती है मैंने 120 मूवी करी है भोजपुरी, तो मैंने कहा क्या आपके चरण कहाँ हैं, तो मैं किसी और लोक पे चला गया उनको उनके चरण छूने के लिए, धरती लोक से दूसरे लोक पे चला गया था मैं, बट हाँ, और शिवांगी ऑब्वियसली, शिवांगी के साथ मेरा वन ऑन वन सीन्स हैं काफ़ी सारे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं के साथ वो जो टकराव है, जो प्यार है, वो सब चल रहा है, तो व्हेन यू सी इट यू विल गेट टू नो कि क्या केमिस्ट्री है, क्या है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट भाई बात करने के लिए।